अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 9.3 देख रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम आगे मूव करते हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है एक्स इफ़ टैन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू एक्स साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री एंड टेंजेंट 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने करना है कि सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंपलीफाई करने के बाद आपने एक्स फाइंड कर लेना। अब मैं स्ट्रेट वे वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। वी नो दैट 1045 इज 1, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 स्क्वेयर। सिमिलरली स्टूडेंट्स cos 60 इज 1/2, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/2 स्क्वेयर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स एक्स एज इट इज साइन 45, वी नो द वैल्यू 1/√2। सिमिलरली cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 और स्टूडेंट्स टेंजेंट 60 दैट इज √3। तो स्टूडेंट्स आपने सिंप्लीफाई करें, 1 स्क्वेयर विल बी 1 एंड 1/2 स्क्वेयर विल बी 1/4 इक्वल्स टू, देखें अगर हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें x इंटू 1 इंटू 1 इंटू √3 तो ये क्या आ जाएगा √3x डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स √2 तो कैन वी राइट इट √2 होल स्क्वेयर। और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स 4 और 1 एलसीएम विल बी 4, तो ये आ जाएगा 4 - 1 √3x और स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट 2। नाउ स्टूडेंट्स 4 - 1 क्या होता है 3, 3/4 इक्वल्स टू √3x ओवर 2। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें जरा आप क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय √3x इक्वल्स टू 3 × 2। स्टूडेंट्स x फाइंड करना है तो इन टर्म्स को सर पर लाके डिवाइड कर दें एंड x विल बी 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × √3। तो ये पूरी टर्म जो थी ये एज इट इज सर पे आके क्या होगी स्टूडेंट्स डिवाइड होगी। नाउ 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब हमारे पास क्या आया 3 / 2 √3। स्टूडेंट्स ये आंसर है लेकिन इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज आप न्यूमिनेटर को 2 × √3 लिख सकते हो एंड यू नो द रीजन कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे 2 × √3 लिख दें। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक कैंसिल हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए फंक्शन एंड एक्स विल बिकम √3/2। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई जो यहाँ पर आपने फाइंड करनी थी। अगर आप क्वेश्चन दोबारा से देखें तो हमने सिंपली वैल्यूज पुट की है, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने सिंपलीफाई की है और एक्स फाइंड कर लिया। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, स्टूडेंट्स ये बेस करते हैं आपकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए और उसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स। अब स्टूडेंट्स को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं, मैं अभी यहाँ पे आपको एक ब्रीफली उसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ। सच एंगल्स विच हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स। स्टूडेंट्स ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, मींस स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो और उनका एंडिंग पॉइंट भी सेम हो, ऐसे एंगल्स को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। अगर मैं आपको एलेबोरेट करूं तो स्टूडेंट्स आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए, आपको पता है ये क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट है आपका, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैंने एक एंगल ड्रॉ किया दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि ये इसकी इनिशियल साइड है, ये इसकी टर्मिनल साइड है और ये एंगल आपको पता है क्वाड्रेंट पे है तो ये 90 डिग्री है, इसको हम क्वाड्रेंटल एंगल भी कहते हैं, वो एक डिटेल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक और एंगल मैं ड्रॉ करता हूँ। अब स्टूडेंट्स अगर आप ये एंगल देखें तो इसकी इनिशियल साइड भी यही है, उसकी टर्मिनल साइड भी यही है, बट इस एंगल की जो मेजरमेंट है दैट इज 360 + 90, इट मीन्स 450। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि आफ्टर एवरी 360 डिग्री वैल्यूज रिपीट भी होती हैं। सो ये जो एंगल्स हैं, ये जो 90 और 450, इन्हें हम क्या कहेंगे, दे आर को टर्मिनल एंगल्स, बिकॉज इन एंगल्स पे जो वैल्यूज हैं साइन फंक्शन की वैल्यू, कॉस फंक्शन की वैल्यू,
टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू, ये सब वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। साइन आप 90 डिग्री फाइंड कर लें या आप साइन 450 फाइंड कर लें, दोनों की वैल्यू सेम है एंड दैट वैल्यू इज 1, क्योंकि साइन 90 भी 1 होता है और साइन 450 भी 1 होता है, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी बेसिक पर, इसी चीज पर हम फाइंड करेंगे आगे वैल्यूज जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में है, तो मैं आपको एक एक पार्ट करवा दूंगा, बाकी रिमेनिंग आप खुद करेंगे। सो मूव करते हैं उन पार्ट्स की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है फाइंड द ऑल द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द गिवन क्वाड्रेंटल एंगल्स। आपको एंगल गिवन है, इस एंगल पर आपने वैल्यूज फाइंड करनी है जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी, लाइक साइन की, कॉस की, टेंजेंट की, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कोटेंजेंट। तो स्टूडेंट्स एक चीज का ख्याल रखिएगा, हमारे पास जो भी एंगल होगा हमने उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, हमने उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 360 सा जो भी मल्टीपल होगा वो हम इग्नोर कर सकते हैं, और हम पॉजिटिव की जितना हम उसको मिनिमम कन्वर्ट कर लेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें वैल्यूज़ याद भी हैं और हम इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स माइनस पाई है, तो अगर आप इसको देखें तो आप लिख सकते हैं माइनस 2 पाई प्लस पाई। कैसे? क्योंकि देखें स्टूडेंट्स माइनस 2 पाई प्लस पाई अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो अगेन क्या आ जाएगा आंसर, माइनस पाई आ जाएगा। बट हमें से फ़ायदा क्या हुआ कि हम जो 2 पाई का जो भी मल्टीपल होगा हम उसे इग्नोर कर देंगे, यानी इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और यहां पर जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यूज और गिवन एंगल की जो वैल्यूज हैं दे विल बी सेम। इट मींस जो वैल्यू साइन माइनस पाई की है सेम वही वैल्यू साइन पाई की है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब आपने वैल्यूज फाइंड करनी है साइन पाई, कॉस पाई, टेंजेंट पाई। अब पाई आप लोग जानते हैं पाई इज 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज 0, कॉस 180 डिग्री क्या होता है माइनस 1, एंड टेंजेंट 180 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इन्फिनिटी, सॉरी दैट इज 0। सिमिलरली अगर आप इनके रेसिप्रोकल्स ले लें तो सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं साइन का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कोसीकेंट थीटा, और कोसीकेंट क्या होगा ये भी 0 हो जाएगा। कॉस का जो इन्वर्ट है दैट इज सीकेंट थीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा कॉट थीटा। अब देखें स्टूडेंट जब आप कॉट फाइंड करेंगे तो कॉट का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 0 आंसर विल बी इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स जो वैल्यूज इस माइनस पाई की थी सेम वही इसकी थी, और ये आपकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं। अब मैं आपको एक और पार्ट करवाता हूँ, उसमें भी हम सेम इस तरह से करेंगे, एक बड़ा एंगल लेंगे और उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर एंगल्स में। तो अगर आप पार्ट देखें 6th पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स, और आपको एंगल गिवन है 1530 डिग्री। स्टूडेंट्स इतने बड़े एंगल की वैल्यू हम याद नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे किस में, इन द मल्टीपल ऑफ 360। तो देखिए स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 1530 को मल्टीप्लाई कर देना है 360 डिग्री के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो लेस देन 1530 है। तो स्टूडेंट्स अगर 360 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास आंसर आता है 1440, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, और ऑब्वियसली डिवीजन में आप लोग जानते हैं सब्ट्रैक्शन होती है, जब माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आंसर विल बी 90 डिग्री। तो इट मींस इस पूरे को आप क्या लिखेंगे, इस पूरे को हम लिख सकते हैं 4 times 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो देखें स्टूडेंट्स जो 360 वाला मल्टीपल होगा हम इसको इग्नोर कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट आफ्टर एवरी 360 रोटेशन वैल्यूज रिपीट होती हैं। तो जो वैल्यू साइन 90 की होगी वही वैल्यू साइन 1530 की होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद हमने वैल्यूज फाइंड करनी है साइन 90 डिग्री, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपने कॉस 90 डिग्री फाइंड करना है, फिर आपने टेंजेंट 90 डिग्री फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स साइन 90 आप लोग वैल्यू याद की हुई है दैट इज 1, कॉस 90 डिग्री दैट इज 0, एंड टेंजेंट क्या होता है साइन ओवर कॉस, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इन्फिनिटी आ जाएगा। एंड सिमिलरली आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा, तो कोसेकेंट 90 क्या होगा स्टूडेंट्स 1, सिमिलरली सेकेंट 90 दैट विल बी 0, एंड
कॉट 90 डिग्री स्टूडेंट्स, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास जीरो आ जाएगा। सो दैट्स इट, ये आपने एंगल इसको स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें नेगेटिव एंगल हो, तो मैं आपको एक ऐसा पार्ट करवाना चाह रहा हूँ जिसमें आपका नेगेटिव हो, सो दैट आप समझ सकें कि अगर नेगेटिव केस आ जाता है आपके पास तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स मेथड यही होगा, मैं आपका एक पार्ट ले रहा हूँ जिसमें आपको एंगल की वैल्यू नेगेटिव गिवन है, एंड दैट इज पार्ट नंबर 7। अगर आप 7th पार्ट देखें तो आपका एंगल गिवन है -2430 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब इसको भी आपने सॉल्व करना है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें हमने इसको भी डिवाइड करना है और हमने कन्वर्ट करना है इसको भी मल्टीपल ऑफ 360 में, बट हमारा जो एंगल आना चाहिए, जो रिमाइंडर आना चाहिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें अगर हम डिवाइड करें इसे -2430 को 360 से, तो स्टूडेंट्स हमने इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो सॉल्व करने के बाद आंसर पॉजिटिव आए। तो देखें हम 360 को मल्टीप्लाई अगर करें 6 से, तो स्टूडेंट्स वो आएगा 2160, इससे स्मॉलर वैल्यू है। 360 को अगर हम 7 से करें तो वो आएगा 2520। तो स्टूडेंट्स मैं -7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं -7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा -2520। ये क्या आ जाएगा -2520, और आप लोग रूल जानते हैं कि साइन चेंज हो जाता है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 90। अब इसको आप क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स इसे आप लिख सकते हैं -7 × 360 डिग्री + 90 डिग्री। अब आप लोग जानते हैं हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, हम 360 का जो भी मल्टीपल होगा उसे हम हमेशा इग्नोर कर दिया करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब स्टूडेंट्स जो वैल्यू साइन 90 की होगी वही वैल्यू साइन -2430 डिग्री की होगी, तो ये वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी सेम, यही टेबल आपने नीचे बना देना है। तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देख लें नेगेटिव का केस क्या था, हमने नेगेटिव के केस में भी जो एंगल है उसको क्या करना है, उसको हमने पॉजिटिव करना है, सो दैट हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमने डिवाइड किया उसको, अब इस केस में हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारा जो आंसर है वो ग्रेटर आ जाए प्रीवियस नंबर से। नॉर्मली जो डिवीजन में आप करते हैं कि आपका आंसर जो होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए, बट इस केस में क्योंकि नेगेटिव था तो आपका आंसर ग्रेटर होना चाहिए ताकि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो, वो पॉजिटिव आंसर आए। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमने -7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास -2520 आ गया, प्लस माइनस आंसर विल बी 90। सो दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 6 में भी सेम यही चीज़ें हैं, उसके प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने 9.4 स्टार्ट करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। अब 9.4 से पहले आपको आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं आपने उसको रिवाइज करना है, आपके जो फार्मूलाज हैं जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा इज 1/cosec θ एंड सेम वाइस वर्सा cosec θ इज 1/sin θ, इस तरह से आपने cos और secant का रेशियो पढ़ा हुआ है, इस तरह से आपने tan और cot का पढ़ा हुआ है, इसके अलावा tan के आपने वो फार्मूलाज भी पढ़े हुए हैं tan θ = sin θ/cos θ एंड cot θ = cos θ/sin θ। तो स्टूडेंट्स ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक तीन आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपको आनी चाहिए और ये फार्मूलाज आने चाहिए, अगर ये चीज़ें आती होंगी तो ही आप आगे 9.4 को सॉल्व कर सकेंगे। सो उम्मीद करते हैं आप लोग ये मेमोराइज कर लेंगे, एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़।